शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बारिश हो रही थी तो कहीं खड़ा हो जाता। इस तरह बारिश में भीग कर आओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? हरीश? हाँ? नमस्ते जी, हरीश नहीं है क्या? हाँ है, तेज बुखार है उसे। बुखार है? अरे बाप रे, मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? हाँ मिल सकती हो, आओ। हाँ हरीश, अरे बाप रे, बुखार से तो तुम्हारा बदन बहुत तप रहा है। हाँ तुम उठो मत, सोए रहो। आइए दादी, आपके पोते का दिल बहुत बड़ा है, सबकी मदद करता रहता है। इसने मेरी भी बहुत मदद की है। मैं यही पड़ोस में रहने आई हूँ। पता है। हरीश, डॉक्टर के पास गए थे क्या? गया था। दवाइयाँ ली तुमने? नहीं, बुखार से दिक्कत हो रही है। ओह बुखार में तो दिक्कत होगी ही ना। दादी दवाइयाँ उधर देखो, टेबल पर रखी हुई है। मिली? वही है बेटी। अच्छा दादी, ओके लाइए। कम उठ के दवाइयाँ खा लो हरीश, ये लो खा लो। आपको मेरी वजह से? अरे नहीं, तुम मेरी वजह से बीमार पड़े हो ना, कल बारिश में मेरी वजह से भीगे थे ना। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, जब भी चाहिए, मुझे कांटेक्ट करना। मेरा सेल नंबर है ना, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ दादी। बहुत ही अच्छी नेक दिल है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी नेक औरत है। अपना ख्याल रखो। हरीश जूस, ये विदाउट आइस है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पी कर तो देखो, ये सेहत के लिए अच्छा है। मैं इतना नहीं पी सकूंगा। जितना हो सके पी लो, बाकी मैं पी लूंगी। अरे आप क्यों, क्या गलत है? कभी तुमने अपने दोस्त के साथ एक कप में चाय शेयर नहीं किया? ये भी ठीक उसी तरह है। पियो। हरीश, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता? रहेंगे तो दिखेंगे ना। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे पैदा होते ही मर गई। माँ मेरी वजह से मरी। मेरे पिताजी ने यही सोचकर मुझे 7 साल की उम्र में ही मेरी दादी के साथ भगा दिया था, और तब से आज तक मुझे देखने के लिए भी नहीं आए। माँ की ममता, बाप का प्यार, इन सब के बिना मेरी जिंदगी तन्हा अकेले ही गुजरती गई। और रूखा सूखा खिला के जैसे तैसे खुशी खुशी मेरी दादी मुझे पालती चली गई। बचपन में ही मेरे माँ बाप के मरने के बाद अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई हूँ मैं। फिर वहां एक इंसान आया, मेरी सुंदरता और मेरे स्वभाव को देखकर मुझसे शादी करने के लिए कहा, और मैं भी राजी हो गई। फिर मैं भी घर गृहस्थी वाली हो गई। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे हमारा परिवार नहीं बढ़ा। कोई नहीं, जाने दो। फिर मैं अपनी खुशी के लिए मेरे जैसे ही अनाथ लोग, गरीब लोग की मदद करने लगी, और जानते हो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हरीश, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। Bindaas Aunty।
कितना टाइम लगेगा? अभी 2 घंटा लगेगा। हरीश, ए हरीश। अरे क्या बे, क्या हुआ तुझे, कहाँ है आजकल? थोड़ा फीवर है यार। फीवर? क्यों, जो नहीं देखना था वो देख लिया क्या? छी छी, ऐसी कोई बात नहीं है, बारिश में भीग गया था बस। तू ही सिर्फ भींगा क्या? हाँ हाँ, मैं ही भीगा था। क्या यार, तू भी ना, मुझे ही सिखाने लगा। तू और वो आंटी कल बाइक से जा रहे थे तो मैंने तुम दोनों को जाते हुए हाईवे पे देखा था। नहीं यार, वो क्या है ना। अरे यार, कौन है वो आंटी, बारिश में भींगी, बड़ी धांसू लग रही थी। ए, उनके बारे में अनाप शनाप मत बोल। हाँ क्यों, तू उसे लाइन मार रहा है क्या? ए, बेवजह की फालतू बात मत किया कर। उनका नाम निर्मला है और जानता है, उनके हस्बैंड दुबई में काम करते हैं। ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, जो सोचा नहीं था वो हो गया। ओए, क्या सही हो गया बे? नहीं समझा, जब हालात ऐसे हो तो फिर समझा कर। ओए, जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे हरीश, अभी हम लोगों के भविष्य की शुरुआत हुई है, हम लोग कितना भी भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा, हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे समझाने के लिए तो मेरे माँ बाप है, मगर तुझे समझाने वाला कोई नहीं। हरीश, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझे आज समझा रहा हूँ। अरे यार, तेरे लिए तो तू ही सिर्फ है, तुझे अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है। तू बचपन से बहुत दुख झेलते आ रहा है, यहाँ तेरा कोई भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूँ ना हरीश, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहो ना। इस तरह गुमसुम मूड ऑफ करके क्यों बैठे हो तुम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो छिपा रहे हो। तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ, बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, लोग गलत बोलते हैं। कौन? वो है ना। बताओ भी। वो मेरा फ्रेंड रमेश। क्या बोलता है वो? अब क्या बताऊँ मैं? और क्या बोलेगा वो? आंटी को लाइन मार रहे हो, यही ना, यही बोला होगा। हरीश, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता। तुम्हारे और मेरे बीच में फ्रेंडशिप हुई है ना, उसी बात की जलन हो रही होगी, क्योंकि उसकी नहीं हुई ना। इन बातों पर हमें हरगिज माइंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है हरीश? जिसका पति उसका ख्याल ना रखे, उस औरत के बारे में लोग तो अनाम शनाम बकते ही रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर तुम मुझसे बातचीत करना बंद मत कर देना। जब मैं यहाँ पहली बार रहने के लिए आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा डर गायब हो गया। मुझे छोड़कर चले मत जाना हरीश। रो मत, बिल्कुल मत रो। आज से कोई कुछ भी कहेगा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कसम। थैंक यू हरीश, थैंक यू। अरे बाप रे, क्या गर्मी है। बाइक को सर्विसिंग में देने की वजह से आज यहाँ बस का इंतजार करना पड़ रहा है। ओए, कभी कभार तो तू बस में जाता है, चुपचाप चल। अम्मा, अम्मा, एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी? तुम जैसे अभी आई हो वैसे ही जाओगी तो ठीक रहेगा। हेलो, मैं तुमसे नहीं, इनसे पूछ रही हूँ। 215 नंबर की बस आएगी, उसमें चढ़ जाना। थैंक्स। ओए, ये मुझे देख के आंख मार रही है यार। अबे ऐसी कंडीशन में वो तुझे आंख मारेगी? अबे कसम से यार। ओए, उसने मुझे फिर से आंख मारी यार।
ए, तू सच में बोल रहा है? मेरा भरोसा कर यार। कलयुग का जमाना है। हेलो हेलो हेलो, आप क्यों रो रही हैं? हॉस्पिटल कहाँ है? इन्होंने मुझे बताया, इनके बारे में सोच के रो रही हूँ। ओए देख ले, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। आपका नाम क्या है, मैं ये जान सकती हूँ क्या? ये मेरा दोस्त हरीश है एंड आई एम रमेश। लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? हरीश रमेश? इसमें हरीश नाम बहुत मॉडर्न है, अपने बच्चे का नाम भी यही रखूंगी। मेरा नाम तुम अपने बच्चे का क्यों रखोगी? अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा पैदा नहीं होता। क्या मतलब? वो क्या है ना, आप ही ने तो बताया हॉस्पिटल 215 नंबर बस जाएगी। अगर आप मुझे नहीं बताते तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाती, और अगर नहीं पहुंच पाती तो ये बच्चा कैसे पैदा होता? सच कह रही हूँ ना, आप ही बताइए। देखा ना बोल बच्चन तूने इसके। मुझे दर्द ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस बार ऑटो से चली जाती हूँ। आप जाइए ना ऑटो। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल चलना है। बाय। अरे बाप रे, जान बचा ली आज तो भगवान ने। ये बस स्टॉप अपने लायक नहीं है भाई। चल चलते हैं यार, जगह खाली करते हैं भाई। आंटी। आंटी। हरीश, अकेले सामान रखने में मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। थैंक्स। बहुत भारी है ना? हेलो, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर। सॉरी हरीश, पैर फिसल गया था मेरा, इसकी वजह से वो। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा नहा कर आऊं, तुम थोड़ा इंतजार करो।